हेल्दी फूड हेल्दी डाइट सुमन के चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम काढ़े का मसाला बना लेंगे। काढ़े का मसाला हम 15 से 20 दिन का एक साथ बनाकर रख सकते हैं, ताकि जब भी हम बनाएं तो हमें अब तुरंत तुरंत वो पीसना नहीं पड़े। तो उसके लिए जो सामग्री लगेगी वो इस तरह है। ये देखिए, इलायची लगेगा हमें, लवंग लगेगा, दालचीनी और काली मिरी। ठीक है, ये सारी चीजें हमें बराबर के अनुपात में होनी चाहिए, इक्वली होनी चाहिए। और इसे बाकी भूजना भीजना कुछ नहीं है, इसे डायरेक्टली हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। ठीक है, इसे मिक्सर ग्राइंडर सबसे पहले हम अच्छी तरह पोंछ लेंगे, सुखा लेंगे, और फिर इसमें हम सबसे पहले हम काली मिरी डाल देंगे, इलायची डाल देंगे, लवंग डालेंगे, फिर दालचीनी डाल देंगे। दालचीनी थोड़ा हम हाथ से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, ताकि जल्दी से पीस जाए। अब इसे हम दो बार ग्राइंड कर लेंगे। देखिए, ये मैंने कर लिया है, ये बारीक हो गया है। ये देखिए, बहुत फटाक से हो जाता है, जरा भी टाइम नहीं लगता है इसे पीसने में। और आप इसे 15 दिन स्टोर कर सकते हैं, 15 से। अब इसे देखिए, मैंने बड़ी छन्नी से छान लिया है। ये देखिए, चम्मच से हम फटाफट घुमाएंगे तो ये अच्छे से छन जाएगा। ये देखिए, और ये बड़ी छन्नी में थोड़ा अच्छे से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करेगा। ये अभी कोरोना काल में इसे हमें डेली एक टाइम सुबह पीना ही चाहिए। अगर जो बाहर जाता है उसे दो टाइम पीना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। ये देखिए, मैंने छान लिया है अच्छे से, और इसे हम एक बार वापस चला लेते हैं, ताकि जो पीस जाएगा वो वापस हम छान लेते हैं। ये देखिए, मैंने पीस लिया है। देखिए, इसे हम वापस छान लेते हैं। ये देखिए, इसका जो बुरादा बचा है इसे हम फेंकेंगे नहीं, हम इसे यूज करेंगे चाय में मिक्स करके। ठीक है, वो चाय भी हमारी मसाला चाय बन जाएगी। ये देखिए, ये हमारा तैयार हो गया है काढ़े का मसाला। अब इसे हम थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे किसी बर्तन में हम स्टोर कर लेंगे, या बॉटल में। अब ये देखिए, ये बुरादा है, इसे भी हम चाय में मिक्स करेंगे। जो भी हमारा नॉर्मल चाय होगा ना, या चाय का डब्बा होगा जिसमें हम चाय की पत्ती स्टोर करते हैं, तो इसे हम उसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये मेरा चाय का डब्बा है, इसमें ये मसाले जो भी इसके बुरबुरे बचे थे वो इसे मैं मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, आप देखेंगे बाजार में ऐसा ही सेम आपको चाय मसाला चाय मिलती है, और इसमें पूरा टेस्ट आएगा आपको मसाले चाय का। आपको फिर सिर्फ अदरक ही डालना होगा, अगर आप जब चाय बनाएंगे तो मसाला डालने की कोई जरूरत नहीं होगी, अदरक और चाय शक्कर। ये देखिए, मैं ऐसा मिक्स कर दी हूँ। देखिए, हमारी चाय की पत्ती भी कितनी अच्छी हो गई, मसाला चाय हो गई है। तो चलिए, अब हम तैयारी करते हैं काढ़ा बनाने की। तो काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक छोटा टुकड़ा अदरक का लगेगा, और तुलसी का पत्ता लगेगा 6 से 7 पत्ती, हमें 1 से 1.5 ग्लास पानी लगेगा। देखिए, और हमें लगेगा गुड़। अगर आपके पास देसी गुड़ है तो आप देसी यूज कीजिए, नहीं अगर आपके पास है तो आप नॉर्मल गुड़ भी यूज कर सकते हैं। मुझे मिला नहीं इसलिए मैं ये गुड़ यूज करी। हल्दी लगेगा, और स्वसारी रस लगेगा। ये देखिए, ये पतंजलि के स्टोर में हमें इजीली मिल जाएगा, और बहुत ही सस्ता मिलता है ये, 15 रुपए में मिल जाएगा। और ये क्या है, बहुत थोड़ा ही डालना रहता है हमें काढ़े में, इससे हमारा गला थोड़ा क्लियर रहेगा, चोक नहीं होगा। और मुलेठी चूर्ण लगेगा, ये भी हमें पतंजलि के स्टोर में मिल जाएगा, और बहुत ही सस्ता मिलेगा ये भी। ठीक है, 100 ग्राम का पैक आता है 42 रुपीज का। ये देखिए, अभी ये हमने जो मसाला तैयार किया था काढ़े का, वो मैंने डिब्बे में स्टोर किया है, तो ये लगेगा हमें। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं काढ़ा बनाने के लिए। ये देखिए, उसमें हम 1 से 1.5 ग्लास जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना हम पानी डालेंगे। क्वांटिटी हम कम ज्यादा कर सकते हैं,
ये देखते मैंने गैस पे रख दिया है पानी बर्तन में, और इसमें हम ये अदरक क्रश कर लेंगे। ये देखिए मैंने अदरक क्रश कर लिया है। अब इसमें तुलसी का पत्ता डाल देंगे, और थोड़ा हल्दी डालेंगे हम, ये हल्दी डालेंगे। अब ये हम थोड़ा सा आधे चम्मच हमें ये हमारा काढ़ी का मसाला डालना होगा, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम, और इसे अब हम थोड़ा उबाल आने देंगे। ये बहुत ही फायदा है, हमारा गला बिल्कुल भी चोक नहीं होगा, बहुत ही क्लियर रहेगा, कफ का प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, इसे जब भी हम बाहर जाते हैं तो मॉर्निंग में एक बार इसे पीजिए और शाम को एक बार पीजिए। अब ये देखिए इसमें हम गुड़ डाल देंगे। अगर आप बगैर गुड़ के भी ये काढ़ा पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बट मेरे बच्चे नहीं पी पाते इसलिए मैं इसमें गुड़ यूज करती हूँ। ठीक है, तो आप गुड़ डाल के भी पी सकते हैं, मतलब ज्यादा तीखा या ये नहीं लगेगा, इसलिए मैं डाल देती हूँ। अब गुड़ चाहिए तो स्किप कर सकते हैं। अब इसे हम होने देंगे थोड़ी देर। ये देखिए ये हमारा सोसारी रस है, इसे हम ज्यादा नहीं, बहुत मतलब एक चौथाई चम्मच हम डालेंगे। ठीक है, डेढ़ ग्लास का हमने काढ़ा बनाया तो उसमें एक चौथाई हम डालेंगे सोसारी रस। ये देखिए उबल गया, इसमें मैंने सोसारी रस डाल दिया है और एक बार मिला दिया है अच्छे से। गैस का आंच हम थोड़ा तेजी रखेंगे ताकि ये फटाफट खोल जाए, और मुलेठी चूर्ण डालेंगे हम, ये भी एक चौथाई डालेंगे। ये देखिए इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेगा। आप मॉर्निंग में जब भी काढ़ा पीजिए तो उसमें मुलेठी चूर्ण और सोसारी रस मिलाकर बनाइए, और शाम को अगर पीते हैं तो शाम को आप ये दोनों चीजें स्किप कर दीजिए। इससे क्या आप बाहर जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हाँ, और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग रहेगी। क्योंकि ये मैं मेरे हस्बैंड को डेली देती हूँ, क्योंकि उनका ऑफिस चालू है तो वो सुबह इनको मैं सोसारी रस और मुलेठी डाल के देती हूँ, और शाम को विदाउट इसके देती हूँ। ये दो टाइम मैं देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। ये देखिए हमारा तैयार हो गया है काढ़ा, अब इसे हम छान लेते हैं। ये इसमें गुड़ डालने से ये थोड़ा मीठा हो जाता है, तो बच्चे भी बहुत अच्छे से पी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेरी तो 3 साल की बेबी भी ये काढ़ा पीती है ऐसे, और बहुत टेस्ट के साथ पीती है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा तैयार हुआ है हमारा ये काढ़ा। आप इसे डेली ट्राई पीजिए, प्लीज एक बार ट्राई कीजिए। हाँ, ये बहुत ही जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल समय चल रहा है हमारे सभी के ऊपर, तो प्लीज इसे ट्राई कीजिए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।